मैं जापान गया, तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरियट साइंटिस्ट याकामा को मिलने गया। क्यों? मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है, और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। तो दोस्तों हम सबको पता है कि हम जो है वो बीमार किस वजह से पड़ते हैं, हमारी जो बॉडी है वो किस वजह से जो है वो कमजोर हो जाती है या किस वजह से हम बीमार होते हैं। तो हम सबको पता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है, जैसे कि हम लोग जो है फास्ट फूड को हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आता है और हम लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो पिज्जा हो, या फिर मार्केट में बिकने वाला जो फास्ट फूड, जो भी फास्ट फूड है वो, तो इसकी वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं। दूसरा, हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बार हमको ये न्यूज़ देखने मिलता है कि कोई किसी सब्जी में इंजेक्शन लगा रहा है ताकि सब्जी की साइज को बड़ा किया जा सके, या फिर फ्रूट में इंजेक्शन लगा रहा है ताकि फ्रूट को ज़्यादा मीठा किया जा सके ताकि हमारे लिए हमें ज़्यादा टेस्टी लगे वो, या ज़्यादा रेट में, या जब उसका वेट बढ़ जाएगा तो ज़्यादा रेट में जो है जो मैन्युफैक्चरर है उसको सेल कर सके। यानी कि हाइब्रिड फ्रूट और वेजिटेबल है वो भी हमें बीमार कर सकता है। तीसरा जो कारण है जो हमें बीमार कर सकता है वो है पेस्टिसाइड्स, यानी कि आपने देखा होगा कि किसान जो है अपने फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। इस फोटो में देखिए आपको पेस्टिसाइड्स जो छिड़कता हुआ एक बंदा नजर आ रहा है, उसने मास्क पहना हुआ है, यानी कि जिस चीज को वो छिड़कते हुए मास्क का इस्तेमाल करता है वही चीज जो है भोजन के रूप में वो पेस्टिसाइड जो है हमारे खाने में जो है हमारे खाने के थ्रू हमारे बॉडी में चली जाती है और जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो ये तीन कारण मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और पेस्टिसाइड्स, ये वो वजह है दोस्तों जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। आइए और कुछ और वजह के बारे में जानते हैं जिस वजह से हम लोग बीमार होते हैं। एक वजह है तंबाकू, यानी कि ये देखिए ये बहुत बड़ी वजह है तंबाकू गुटखा, जिसकी वजह से जो है माउथ का कैंसर होता है और स्टमक का कैंसर होता है, ये हम सबको पता है ना। स्मोकिंग है जो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं, जिसकी वजह से लंग का कैंसर, थ्रोट का कैंसर होता है, और इसके अलावा और भी जो है हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाते हैं। अल्कोहल जो है, एक्सेसिव अल्कोहल जो है, जरूरत से ज्यादा अल्कोहल लेने पे भी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। स्ट्रेस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से वो लोग बीमार हो जाते हैं। और एक और वजह है जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूरज की किरणें जो हैं अगर हमारे बॉडी में सीधी सीधी पड़ती हैं तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। ये वजह मैंने आपको कुछ वजह बताई जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। आगे मैं आपको कुछ और वजह बताता हूँ जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। कुछ वायरसेस जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ये सब जो वायरसेस हैं उनकी वजह से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। मेडिकल रेडिएशन, आपने देखा होगा कि एक्सरे हो गया या सीटी स्कैन हो गया या एमआरआई स्कैन हो गया, ये भी इनसे भी जो रेडिएशन निकलता है उसकी वजह से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन जो है, आज नॉर्थ इंडिया में एयर पोल्यूशन जो है बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। एयर पोल्यूशन जो है बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं या बीमार हो सकते हैं। रेदन एट होम, ये हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि स्मोकिंग के बाद जो है या एयर पोल्यूशन के बाद लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो है वो रेडन गैसेस हैं जो हमारे घरों में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो दोस्तों हम लोग बीमार क्यों हो जाते हैं, ये सारी वजह तो है जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हमारी बॉडी में क्या करती है जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये सारी जो वजह है वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बना देती है, इन फ्री रेडिकल्स की वजह से ही हम लोग बीमार होते हैं।
अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्री रेडिकल्स होते क्या है बेसिकली, हम क्या कर रहे हैं कि हम एक प्रोसेस के थ्रू बेसिकली हम क्यों बीमार होते हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमें कारण पता चल जाएगा तो इलाज भी आसान हो जाएगा और सावधानी जो हम बरत सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर वो हम बरत सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए जिसकी वजह से जो है हम लोग बीमार होते हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, सिगरेट हो गया, स्मोकिंग हो गया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया, हाइब्रिड फ्रूट्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, अल्कोहल हो गया, स्ट्रेस हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, वायरसेस हो गए, एयर पोल्यूशन हो गया, मेडिकल रेडिएशन हो गया, रेडन एट होम हो गया, रेडन गैसेस हो गए, जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। लेकिन ये सारी वजहों की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फ्री रेडिकल्स बेसिकली होते क्या है, मतलब ऐसा क्या होता है फ्री रेडिकल्स जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फ्री रेडिकल्स को समझने के लिए हमें अपनी थोड़ा सा बॉडी को समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से फंक्शन करती है। देखो दोस्तों, हमारी जो बॉडी है, हम सबको पता है, हम लेफ्ट साइड देखें, स्क्रीन की लेफ्ट साइड देखें तो जो हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे ऑर्गन्स हैं। इस तरीके के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन ऑर्गन किससे बने होते हैं? ऑर्गन जो बने होते हैं वो टिश्यू से बने होते हैं। और टिश्यू किससे बना होता है? टिश्यू जो है वो सेल से बना होता है, और सेल कैसे बना होता है? वो मॉलिक्यूल से बना होता है। यानी कि एक सेल के अंदर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एक टिश्यू के अंदर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक ऑर्गन के अंदर में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, और हमारी बॉडी में तो आपको पता ही है कि बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो ये हमारी बॉडी है जिसको हम समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें और थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। फ्री रेडिकल को समझना है तो थोड़ा और गहरे पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल को समझने के लिए थोड़ी सी केमिस्ट्री की जरूरत है। तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ में अभी बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए हैं जो इतनी गहराई से या उतनी डेप्थ में जो है चीजों को नहीं समझ सकते। तो हम जो है इस लैंग्वेज में बात करेंगे, या उतना तक ही बात करेंगे कि हर हर किसी को जो है ये चीज समझ में आ जाए। तो मॉलिक्यूल को समझने के लिए हम लोग जो है एक नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जाते हैं। दोस्तों ये जो है आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर है उसमें देखिए आपको एक अच्छा मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखता है, स्टेबल मॉलिक्यूल ऐसा होता है। स्टेबल मॉलिक्यूल देखिए ये है, इसके चारों तरफ देखिए पेयर में पेयर बने हुए, एक ये पेयर लेफ्ट में पेयर, ये नीचे पेयर, ये राइट में पेयर, ये टॉप में पेयर। तो ये पेयर बेसिकली है क्या? ये पेयर बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चारों तरफ से स्टेबल मॉलिक्यूल को चारों तरफ से पेयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो घेर के रखते हैं। ये हो गया स्टेबल मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी बॉडी को समझना है। इससे पहले हमने समझा था कि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन जो है टिश्यू से बने होते हैं, टिश्यू जो है सेल से बने होते हैं, और सेल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो लेफ्ट साइड आपने देखा कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल किस तरीके से दिखाई देता है। एक स्टेबल मॉलिक्यूल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भी वजह से इस स्टेबल मॉलिक्यूल का जो पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक पेयर का एक इलेक्ट्रॉन भी अगर चला जाए या नष्ट हो जाए, तो यही स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप राइट साइड वाला स्क्रीन देखेंगे जहां पे फ्री रेडिकल्स आपको दिखाई दे रहा है, यहां देखिए कि ऊपर की तरफ जो है पेयर में इलेक्ट्रॉन है, राइट में पेयर में इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी पेयर में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लेफ्ट साइड में देखिए ये पेयर खत्म हो गया, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का पेयर खत्म हो गया। यानी कि फ्री रेडिकल्स भी स्टेबल मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन स्टेबल मॉलिक्यूल तब तक होते हैं जब तक उनका इलेक्ट्रॉन पेयर में होता है। लेकिन जैसे ही स्टेबल मॉलिक्यूल का किसी भी एक पेयर का इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, वही स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है, उसका इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है वो खत्म होता है, वैसे ही जो है एक चेन रिएक्शन चालू होता है, और बहुत ही तेजी से बाकी स्टेबल मॉलिक्यूल भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि हमारे सेल्स के अंदर में बहुत सारे स्टेबल मॉलिक्यूल थे, लेकिन उन्हीं स्टेबल मॉलिक्यूल में से जो है एक मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद फ्री रेडिकल स्टेबल मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करने लग गया। यानी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को
धंधा करने लग गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, लेकिन कुछ लोग जो है थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, तो एक बारी जो है उनको दोबारा से समझाते हैं, या फिर हम सब भी इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कारण को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से हम लोग बीमार होते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ में मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि हम सब जो है वो बीमार क्यों होते हैं। तो हम सब बीमार होते हैं क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है। हम लोग फास्ट फूड को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि ऐसी चीजों को हम ज्यादा खाते हैं जो हमारे मुंह को, जो हमारे स्वाद को, जो हमारे जीभ को अच्छी लगती है। दूसरा, हाइब्रिड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है चलते हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि सब्जियों के साइज को बड़ा किया जा सके, फलों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि फलों को मीठा किया जा सके। और ये जो इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके इंजेक्शन के अंदर तो केमिकल ही होता है, और वही केमिकल जब हम फ्रूट को या फल को खाते हैं या सब्जी को खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में चली जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। पेस्टिसाइड जो है, जो कीटनाशक जो है, जो किसान अपने फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़कते हैं, उसकी वजह से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। तंबाकू की वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं, अल्कोहल की वजह से भी बीमार होते हैं, स्ट्रेस हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं इसकी वजह से भी बीमार होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, जो बहुत ज्यादा सूरज की किरणों के साथ में के सूरज के नीचे रहते हैं या सूरज की किरणें जिनकी बॉडी में लगातार पड़ रही होती हैं, उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से वो भी बीमार हो जाते हैं। कुछ वायरस होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, डेंगू हो गया, जो मलेरिया हो गया, ये सब वायरस है जिसकी वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं। मेडिकल रेडिएशन यानी कि एक्सरे, MRI, CT स्कैन, ये जो है इससे भी रेडिएशन निकलता है और इसकी वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं, और हमारे घर, हमारे खुद के घरों में भी इतनी सारी अलग अलग गैसें प्रोड्यूस हो रही होती हैं जिसकी वजह से भी हम लोग बीमार हो रहे होते हैं। तो बीमार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से, जो मैंने आपको पहले कारण बताए, एयर पोल्यूशन या स्मोकिंग या तंबाकू या जितनी भी मैंने आपको इस स्लाइड के पहले जितनी वजह बताई, उन वजहों की वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, उसको समझने के लिए हमें अपनी बॉडी को समझना होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और हर ऑर्गन जो है, चाहे वो लीवर है, चाहे वो किडनी है, ये सब ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन जो है वो टिश्यू से बने होते हैं, और ये टिश्यू कैसे बना होता है, ये टिश्यू बने होते हैं सेल्स से, और सेल्स कैसे बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। यानी कि एक सेल के अंदर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, और एक टिश्यू के अंदर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और एक ऑर्गन के अंदर में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, और हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर किसी वजह से हमारे मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो गए तो हमारे सेल्स डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं, और हमारे सेल्स डिस्टर्ब हो गए तो टिश्यू डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं, और टिश्यू डिस्टर्ब हो गए तो ऑर्गन डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं, और ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया तो हमारी बॉडी जो है वो बीमार हो जाती है। तो हमने मॉलिक्यूल को समझा कि मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, ताकि हम समझ सकें कि मॉलिक्यूल कैसे डिस्टर्ब हो जाता है या मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम आती है उसी की वजह से सेल्स में प्रॉब्लम आती है, सेल्स में प्रॉब्लम आती है तो टिश्यू में प्रॉब्लम आती है, टिश्यू में प्रॉब्लम आती है तो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आते हैं जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, और इनमें प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी जो है बीमार हो जाती है। तो ये हमने समझा कि स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो कैसे दिखते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि हमें जो है मॉलिक्यूल को अगर हम समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो मॉलिक्यूल को हम देखिए, लेफ्ट साइड की स्क्रीन में मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा दिखता है जिसमें लेफ्ट साइड में एक पेयर बना हुआ है, नीचे एक पेयर बना हुआ है, राइट में एक पेयर बना हुआ है, और टॉप में एक पेयर बना हुआ है। ये पेयर किस चीज का पेयर है, ये पेयर है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि देखिए इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन में पेयर होते हैं। अब इसी स्टेबल मॉलिक्यूल का जो पेयर में इलेक्ट्रॉन है वो उसका कोई भी एक पेयर अनपेयर हो जाता है, यानी कि कोई भी एक पेयर का इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, तो वही स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो राइट साइड देखिए ग्रीन कलर में, वो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इवन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनइवन हो जाता है, वैसे ही वही स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारा एक सेल के अंदर में, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं,
अब जैसे ही एक स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, वैसे ही वो फ्री रेडिकल एक केमिकल चेन रिएक्शन चालू करता है और बाकी स्टेबल मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करने लग जाता है। और इस प्रोसेस को दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट। इस प्रोसेस को याद रखिएगा, इस शब्दावली को याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट, क्योंकि इसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हमारा जो है हम हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसके लास्ट में बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्मल सेल जो है, लेफ्ट साइड देखिए, नॉर्मल सेल जो है वो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इस नॉर्मल सेल के अंदर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। अब वही स्टेबल मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन अगर गड़बड़ हो जाता है तो वही स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते ही जैसे ही एक फ्री रेडिकल बन गया, वो बाकी स्टेबल मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लग जाता है, और हमारा सेल जो है पहले ऐसा होता है, फिर हमारा सेल ऐसा हो जाता है, यानी कि हमारा सेल जो है वो है मर जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो स्टेबल मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने लग जाते हैं, और अगर हमारे एक नॉर्मल सेल में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है तो पहले हमारा सेल ऐसा होता है, फिर लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को भी याद रखिएगा आप सब, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि अच्छा खासा सेल है उसकी डेथ हो जाती है। किस वजह से डेथ हो जाती है? क्योंकि सेल के अंदर में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने लग जाती है, इसकी वजह से जो है हमारा सेल्स जो है उसकी मौत हो जाती है, वो डेथ हो जाती है उसकी, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दोस्तों इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आप जितनी भी बीमारियों के नाम आपने आज तक सुन रखे हैं वो सारी बीमारियां हमें होती है केवल उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जड़ में क्या था? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जड़ में था ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, हाइब्रिड फ्रूट, तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, अल्ट्रावायलेट, सम वायरस, मेडिकल रेडिएशन, एयर पोल्यूशन, रेडन एट होम यानी कि रेडन गैसेस जो है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया कि स्टेबल मॉलिक्यूल ही फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर स्टेबल मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाती है और फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारे सेल्स की डेथ हो जाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही हमें सारी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो एक बार आप सभी जो हैं थम्स अप कीजिए ताकि इसके बाद हम आगे बढ़ें। तो दोस्तों हमने जाना कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है और उसकी वजह से हम लोग क्यों बीमार होते हैं, लेकिन इसके पहले मैंने आपको कहा था कि एक टर्म और याद रखिएगा, उस टर्म का नाम था ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट। यहां लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट ठीक है। तो अब ये तो वो वजह हुई जिसकी वजह से जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमें बीमारियां होती हैं। यहां तक मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम 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 और प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है वो भी सेल्स में ही छिपा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम सेल्स में हुई थी उसका सोल्यूशन भी सेल्स में छिपा हुआ है। आइए थोड़ा सा सेल्स के बारे में जानते हैं कि सेल्स होते क्या हैं। अगर हम सेल्स के बारे में थोड़ा और जान जाएंगे तो हमें सोल्यूशन के बारे में भी हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमारी बॉडी में जो है, आप सबको जान के हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, यानी कि अरबों और खरबों सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। हर इंसान की बॉडी में खरबों सेल्स होते हैं, अरबों खरबों सेल्स होते हैं, और हमारे जो सेल्स होते हैं वो नेचुरली नेचुरली 90 से 120 दिनों तक जिंदा होते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनकी एज जो है 90 से 120 दिन की होती है। डिपेंड करता है कि हमारी उम्र कितनी है और हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर हमारी उम्र जो है वो 35 के अंदर है तो हमारी जो सेल्स है हो सकता है वो 100 दिन रहे, 120 110 दिन जिंदा रहे।
अगर हमारी उम्र 25 साल से कम है तो हमारे सेल्स जो है वो 120 दिन तक भी जिंदा रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे जो सेल्स हैं वो जल्दी मरते जाते हैं, यानी कि 90 दिन के अंदर भी मरने लग जाते हैं या 95 दिन के अंदर भी, 95 डेज के अंदर भी मरने लग जाते हैं। और दूसरा, ये सेल्स कितने दिन तक जिंदा रहेंगे इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, यानी कि हमारा जो बॉडी में रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो है वो कितनी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 ट्रिलियन यानी कि अरबों खरबों की संख्या में सेल्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक ही तरह का सेल्स नहीं होता बल्कि 200 से भी ज्यादा, 200+ अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। कुछ सेल्स मैं आपको नाम लेके बताता हूं कि कुछ सेल्स जो हैं, जैसे कि स्टेम सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, न्यूरोलॉजिकल सेल्स, मसल सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, बोन सेल्स, स्किन सेल्स, फैट सेल्स, सेक्स सेल्स, ये मैंने कुछ सेल्स के नाम बताए हैं। हमारी बॉडी में 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, ये मैंने आपको कुछ सेल्स के नाम बताए। लेकिन मैंने पहले नंबर पे आपको जो सेल्स के बारे में बताया वो था स्टेम सेल। दोस्तों ये स्टेम सेल है वही है जादू की छड़ी। दोस्तों कोई भी सेल, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि हमारी बॉडी का कोई भी सेल, पर्टिकुलर सेल बनने से पहले स्टेम सेल होता है। रेड ब्लड सेल है जो, रेड ब्लड सेल बनने से पहले स्टेम सेल होता है, यानी कि स्टेम सेल ही पहले, स्टेम सेल जो है वही रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल कब बनता है, पहले वो स्टेम सेल होता है, फिर हमारी बॉडी को अगर व्हाइट ब्लड सेल की जरूरत होती है तो स्टेम सेल ही व्हाइट ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेटलेट्स आपने सुना होगा, डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, लेकिन प्लेटलेट को बढ़ाने का तरीका क्या है, प्लेटलेट को बढ़ाने का तरीका है कि प्लेटलेट को हम अभी क्या करते हैं, प्लेटलेट किसी और से लेते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं अब डॉक्टर जो है हमारी बॉडी में। तो स्टेम सेल जो है, प्लेटलेट पहले स्टेम सेल ही होता है, वही स्टेम सेल प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मसल सेल पहले स्टेम सेल होता है, वही स्टेम सेल मसल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हर सेल, पर्टिकुलर सेल बनने से पहले रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल बनने से पहले स्टेम सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल बनने से पहले स्टेम सेल होता है। तो हमारी बॉडी को जिस तरीके की भी सेल की जरूरत होती है, स्टेम सेल क्या करता है, उस तरीके के सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, यानी कि स्टेम सेल जो है वो मदर सेल्स होते हैं और हमारी बॉडी को जिस भी सेल की जरूरत होती है वो उस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में स्किन की कोई दिक्कत है तो स्टेम सेल क्या करते हैं, स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी को रेड ब्लड सेल की जरूरत होती है तो स्टेम सेल रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी को व्हाइट ब्लड सेल्स की जरूरत होती है तो स्टेम सेल ही व्हाइट ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि स्टेम सेल हमारी बॉडी में स्टेम सेल के थ्रू भी के रूप में भी रह सकता है और जिस सेल की अगर जरूरत पड़ गई हमारी बॉडी में उस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेम सेल जो है वो जादू की छड़ी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब स्टेम सेल अगर जादू की छड़ी है, तो अगर स्टेम सेल जो है, अगर हमारी बॉडी में, अब मैंने आपको बताया कि एक सेल जो है 90 से 120 दिन के अंदर उतनी देर तक जिंदा रहता है, उतने दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। लेकिन अगर सेल जो है, अगर बीच में ही प्रॉब्लम आ गई उसको, जैसे कि मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल्स की वजह से ही सेल्स में फ्री रेडिकल्स अगर बढ़ गए तो सेल्स तो मर जाता है, लेकिन सेल मरते मरते जो है प्लाज्मा को भी डिस्टर्ब कर देता है, और प्लाज्मा डिस्टर्ब होता है तो हमारे, सॉरी, टिश्यू को भी डिस्टर्ब कर देता है। सेल जो है मरने से पहले टिश्यू को भी डिस्टर्ब कर देता है, और टिश्यू डिस्टर्ब होता है तो ऑर्गन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों स्टेम सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल जो है, अब जो है आज से 25-30 साल पहले जो है इस सेल्स के बारे में लोगों ने जानना समझना चालू किया था। साइंस तो इसके बारे में पहले से जानता था, लेकिन आम लोगों ने जो है स्टेम सेल के बारे में 20-25 साल पहले ही सुनना चालू किया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल में अब जो है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर जो है या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो आपको ऑफर करता है कि जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों, तो वो अपनी माँ के साथ में कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है, यानी कि हिंदी में अगर उसको कहते हैं तो नाल, बच्चे जो है नाल के साथ में, अपनी माँ के साथ में जुड़ा होता है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, तो क्या करते हैं, माँ को और बच्चे को अलग करने के लिए उस कॉर्ड को, यानी कि उस नाल को काट देते हैं, जिसे बच्चा अलग हो जाता है और माँ अलग हो जाती है। लेकिन आज से 25-30 साल पहले उस कॉर्ड को जो है, आज भी बहुतायत में उस कॉर्ड को या उस नाल को फेंक देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं बहुत सारे लोग शगुन के तौर पे। तो लेकिन अब जो डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो ऑफर करता है कि इस नाल को या इस कॉर्ड को आप मेडिकल बैंक में रखिए,
क्यों रखिए? क्योंकि उस नाल में उस बच्चे का स्टेम सेल होता है। आज से जब बच्चा पैदा होता है, उसके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, अगर उस सेम बच्चे को या उसके सिबलिंग को किसी भी तरीके की क्रोनिक डिजीज हो जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, या किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग में प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी भी उसके ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी कॉर्ड में से स्टेम सेल निकाल के डॉक्टर जो है उस बच्चे को इंजेक्ट करते हैं, और वो जो स्टेम सेल है उसकी वजह से उसके जो ऑर्गन में जो प्रॉब्लम हुई थी वो ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसको जो है स्टेम, ये जो कॉर्ड है उसको मेडिकल बैंक में रखना 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, और उसके बाद उसमें से स्टेम सेल निकाल के बच्चे को इंजेक्ट करना, ये एक खर्चीला माध्यम है। यानी कि ये हर इंसान के बूते की बात नहीं है, हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी सोच को, इसी दिशा में जो है, ये जो जो प्रॉब्लम थी, इसी दिशा में स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट जिनका नाम फ्रेड जूली था, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर फ्रेड जूली, जो स्विट्जरलैंड में साइंटिस्ट हैं और बायोकेमिस्ट हैं, पीएचडी हैं, बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की इन्होंने, इन्होंने स्विट्जरलैंड में एक एप्पल है, ये एक स्पेशल तरीके का एप्पल है जो लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही रेयर एप्पल है जो कुछ ही संख्या में बचे हुए हैं, और ये खाने में बहुत ही कड़वे होते हैं। अगर हम नॉर्मल एप्पल और इस एप्पल की बात करें, तो नॉर्मल एप्पल अगर हम अपने घरों में काट के रख दें तो वो 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर जो है वो काला पड़ जाता है। लेकिन इस एप्पल में ये खूबी होती है कि इसको अगर काट के हम 6 महीना भी रख देंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा। यानी कि इस एप्पल में जो है एंटी एजिंग का गुण होता है। दूसरा ग्रेप, ये भी एक स्पेशल तरीके का ग्रेप था। इन्हीं दोनों प्लांट से उन्होंने स्टेम सेल निकाला, डॉक्टर फ्रेड जूली ने, और उस स्टेम सेल को जो है फाइटोसेलटेक के नाम से उन्होंने रजिस्टर किया, और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है डॉक्टर फ्रेड जूली का। और जो डॉक्टर फ्रेड जूली जो है, इनके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा जानते हैं कि डॉक्टर फ्रेड जूली ने 1991 में इसकी खोज की थी और अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था मिबेल बायोकेमिस्ट्री, जो स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों, ये जो मिबेल बायोकेमिस्ट्री है, आज पूरी दुनिया में स्टेम सेल जो है, प्लांट बेस्ड स्टेम सेल जो है वो प्रोवाइड करती है। और आज 31 साल बाद, 30 साल बाद, 1 लाख एम्प्लॉय हैं मिबेल बायोकेमिस्ट्री में, जो मिबेल बायोकेमिस्ट्री में काम करते हैं। Based in Switzerland, Mibel Biochemistry develops highly innovative actives for the cosmetic industry. Our company forms part of Switzerland's largest retailer, which boasts over 100,000 employees. Inspired by nature and realized by science, Mibel Biochemistry has succeeded in creating completely novel anti-aging concepts, such as stem cell technology. Our ultra-modern labs guarantee products of consistently outstanding quality and functionality. During our 25 years of experience, the work of Mibel Biochemistry has been recognized through numerous innovation awards and patents. ये मिबेल बायोकेमिस्ट्री का जो है, उनके एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है। ये डॉक्टर फ्रेड जूली जो है फाउंडर मेंबर हैं, पीएचडी हैं। ये डॉक्टर कोर्नेलिया हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डॉक्टर कोर्नेलिया का नाम आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि इसका भविष्य, इसको आगे की स्लाइड में मैं दोबारा रेफर करूंगा। डॉक्टर कोर्नेलिया जो है वो भी बायोकेमिस्ट है, पीएचडी है, और मैनेजिंग डायरेक्टर है मिबेल बायोकेमिस्ट्री के। दोस्तों, ये मिबेल बायोकेमिस्ट्री को मिले हुए कुछ अवार्ड हैं और सर्टिफिकेट हैं जो है, जिनको मिबेल बायोकेमिस्ट्री को यूरोपियन कॉस्मेटिक इनोवेशन प्राइज मिला हुआ है 2014 में, 2008 में, 2007 में, और भी अलग अलग तरीके के अवार्ड और रिवॉर्ड इनको मिले हुए हैं। और ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं मिबेल बायोकेमिस्ट्री के। तो दोस्तों, अब मिबेल बायोकेमिस्ट्री और डॉक्टर फ्रेड जूली, इनका प्रोडक्ट था प्लांट बेस्ड स्टेम सेल। तो नेस्विज और मिबेल बायोकेमिस्ट्री ने मिल के सस्ता और इकोनॉमिकल सोल्यूशन हिंदुस्तान के लोगों को देने का सोचा, ताकि हिंदुस्तान के हर आदमी को जो प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है उसका फायदा मिल सके। मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर कोर्नेलिया का नाम याद रखिएगा, तो ये है डॉक्टर कोर्नेलिया जो है, जिन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया नेस्विज और मिबेल बायोकेमिस्ट्री के टाई अप का। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया जिनका नाम है फाइटोविज, और ये प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है,
जो है, और जितने भी अलग अलग तरीके के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इस प्रोडक्ट को मिले हुए हैं। इनोवेशन प्राइस जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि इनके जो रॉ मटेरियल हैं फाइटोसेल्टेक जो है, जो एप्पल और ग्रेप के जो स्टेम सेल हैं उनको मिला हुआ है, ये जो प्राइस मिला हुआ है वो मैंने आपको बताया। तो इन दोनों ने मिलकर जो प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम मैंने आपको बताया कि फाइटोविज, उस प्रोडक्ट का नाम, और ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इस प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट हैं। दो इंग्रेडिएंट जो मेजर इंग्रेडिएंट वो है मोलस डोमेस्टिका फाइटोसेल्टेक एप्पल का। और सोलर विथिस जो है फाइटोसेल्टेक जो कि ग्रेप्स का स्टेम सेल है। इसके अलावा और भी कुछ एक्सट्रैक्ट हैं, बिलबेरी, एलोवेरा, ब्लैक गोजी और गोसिप एक्सट्रैक्ट, ये अलग अलग तरीके के एक्सट्रैक्ट हैं जो इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए डाले गए हैं। और इसका जो फॉर्मूला जो है वो स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है उन्होंने ही दिया हुआ है, और ये स्विस क्वालिटी फॉर्मूला है। तो दोस्तों फाइटोविज करता क्या है, फाइटोविज 6 अलग अलग तरीकों से जो है हमारी बॉडी में काम करता है। पहला कि रेप्लिकेट करता है गुड सेल्स को, रिस्टोर करता है जो जो बीमार सेल्स हैं उनको, रिप्लेस करता है जो डेड सेल हो गए उनको, रिपेयर करता है जो डैमेज हो गए सेल उनको, क्लीन करता है हमारे सेल्स को और ब्लड को, और रिजुविनेट करता है एज सेल्स को। यानी कि ये 6 अलग अलग तरीकों से काम करता है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है इस प्रोडक्ट में 60 सेशे मिलते हैं अलग अलग जो है, जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं 60 सेशे मिलते हैं, उनमें से एक सेशे ये है। तो इसको टंग के नीचे रखते हैं और डेली आपको एक सेशे मॉर्निंग में सो के उठते ही लेना है, और उसके बाद जो है 5 से 7 मिनट का गैप देना है ताकि आपका जो लार है वो बहुत अच्छे से उसमें जो है मिल जाए। उसके बाद जो है आपको 250 ml पानी पीना है। उसके बाद जो है 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। उसके बाद आप जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना है वो कीजिए, और पूरे दिन में ध्यान रखिएगा कि 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है ताकि आपको और बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि फाइटोविज जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं प्लांट बेस्ड स्टेम सेल के, जो आपको यहाँ पे फायदे दिख रहे हैं, लेकिन एक मेजर जो फायदा जो मैंने आपको बताया जिसके बेसिस पे हमारी ये प्रेजेंटेशन है वो न्यूट्रीलाइज फ्री रेडिकल्स, यानी कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रीलाइज करती है। बेसिकली कैसे करती है ये फ्री रेडिकल्स को कैसे ठीक करती है, ठीक करने का क्या मतलब है? देखो दोस्तों जो है हमें इस स्लाइड में हमें दोबारा जाना पड़ेगा इस समझने के लिए कि स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में क्यों कन्वर्ट हो गए थे। स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में इसलिए कन्वर्ट हो गए थे क्योंकि उनका एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था वो खत्म हो गया था और वो अनपेयर्ड हो गए थे इलेक्ट्रॉन उसके, और उसी वजह से स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, तो जो है न्यूट्रीलाइज फ्री रेडिकल्स, तो दोस्तों ये क्या करता है बेसिकली, ये उस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट तैयार करता है हमारी बॉडी में। उन एंटीऑक्सीडेंट में वो गुण होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं पहले हमें समझना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट भी मॉलिक्यूल ही होते हैं। अब 3 तरीके के मॉलिक्यूल अगर हमारे पास में, एक स्टेबल मॉलिक्यूल वो भी मॉलिक्यूल ही है, फ्री रेडिकल वो भी मॉलिक्यूल है, और एंटीऑक्सीडेंट वो भी मॉलिक्यूल ही है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट ये उस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट बनाता है उसमें ये खूबी होती है कि वो बिना अनस्टेबल हुए अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को दे देता है। यानी कि वो एंटीऑक्सीडेंट में ये गुण होता है कि वो बिना अनस्टेबल हुए
अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देता है, और जैसे ही फ्री रेडिकल को उसका बिछड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन या उसके जैसा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वो फ्री रेडिकल वापस स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी जो कॉस्ट है जो है वो 12,850 रुपये है, और जो है इसमें आपको 60 सेशन यानी कि 60 दिन का कोर्स आपको करने के लिए मिलेगा। 60 सेशन मिलेंगे आपको, डेली 1 सेशन लेना है। और जो है अब बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे या ईमेल पे हमसे ये पूछते हैं कि मेरी इस बीमारी में काम करेगा कि नहीं करेगा ये, या मेरी इस बीमारी में काम करेगा कि नहीं करेगा, या मेरी उस बीमारी में काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये किसी पर्टिकुलर बीमारी में काम नहीं करता है, ये तो सेल्स को रिपेयर करता है, और हर बीमारी तो सेल्स रिलेटेड है, हर बीमारी फ्री रेडिकल की वजह से है। तो अगर सेल्स रिपेयर हो गए तो हमारी बीमारी भी रिपेयर हो जाएगी, हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो पहली एक वजह ये है। दूसरी वजह, दूसरे सवाल ये पूछते हैं कि मैं तो ठीक हूं, क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर कोई इसको इस तरीके से समझिए कि किसी को हार्ट अटैक आया, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले तक वो बिल्कुल 100% परफेक्ट था, और उसके बाद उसने ऐसा कुछ किया कि वो उसको हार्ट अटैक आ गया। नहीं, हार्ट अटैक एक प्रोसेस के थ्रू आता है। 1 साल से 2 साल से 3 साल से 5 साल से तुम कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। या शुगर होता है, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं था कि एक दिन उन्होंने ज्यादा शुगर खा लिया तो अगले दिन वो डायबिटीज के पेशेंट हो गए। नहीं, वो तो 2 साल 3 साल 5 साल से कुछ ना कुछ जो है उनकी बॉडी में गलत हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारी ऐसी ही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ गलत किया अगले दिन आपको कोई बीमारी हो गई। तो हमारी बॉडी में भी बीमारी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रही है, हमें उस प्रोसेस को स्टॉप करना है और रिवर्स करना है। तो आप हो सकता है कि बहुत अच्छे भले चंगे दिख रहे हों, लेकिन आपकी बॉडी में बीमारी का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, उस प्रोसेस को आपने स्टॉप करना चाहिए और रिवर्स करना चाहिए। और आप अभी बिल्कुल, आपको कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई है, आप जो है बहुत ही किस्मत वाले हैं, भाग्यवान हैं। लेकिन अब आपका जो कर्तव्य है वो ये है कि आप उस प्रोसेस को स्टॉप कीजिए जो आपकी बॉडी में चल रहा है, और उसको स्टॉप करने के सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फाइटोविस्को जो है 2 महीने का कोर्स जो है वो 100% कीजिए। और ये जो कोर्स है वो हर किसी को करना चाहिए।